हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी मसाला पुलाव या तवा पुलाव बनाएंगे, जो कि झटपट से बन जाता है और इसका स्पाइसी और चटपटा टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो स्पाइसी मसाला पुलाव बनाने के लिए इधर मैंने एक पैन में एक टेबलस्पून जितना तेल लिया है। तेल के बदले आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। मैं इधर नॉर्मल पैन यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप बिल्कुल स्ट्रीट जैसा तवा भी यूज कर सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डालें एक टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग और फिर इसमें डालें चॉप किया हुआ प्याज, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट। अब इसे थोड़ी देर सोते करें। और फिर इसमें डालें चॉप करके फूल गोभी। अगर आप बड़े टुकड़े डाल रहे हैं तो इसे थोड़ा बॉईल करके डालें। मैं इधर चॉप करके थोड़ी सी पत्ता गोभी भी डाल रही हूँ। आप इन दोनों को, फूल गोभी और पत्ता गोभी, दोनों को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो। अब जब ये थोड़ा थोड़ा पक गया हो तब इसमें टमाटर को फाइनली चॉप करके डालें। इस तवा पुलाव में टमाटर की क्वांटिटी अच्छी रखना बहुत जरूरी है ताकि इसका टेक्सचर और स्वाद दोनों ही बढ़िया आए। आप इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हो थोड़े से टैंगी टेस्ट के लिए। अब इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक, फिर डालें गरम मसाला और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और लाल मिर्च पाउडर। मैंने इधर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इधर मैं बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिला ले। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाले और सिर्फ एकाध दो मिनट के लिए ढककर पकाए। अब पकाने के बाद अगर आपको जरूरत लगे तो मैशर से या फिर ऐसे ही बड़े चम्मच से इसे अच्छे से मैश कर ले। अब इधर मैं बॉइल्ड मटर और गाजर को डाल रही हूँ। गाजर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया था और फिर नॉर्मली बॉइल कर लिया है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और अब मैं इधर कुक्ड राइस डाल रही हूँ। आप लेफ्ट ओवर राइस यूज कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर पहले ही रेडी किए हुए चावल ले रहे हो तो इसे थोड़ी देर ठंडे होने दे, गर्म गर्म यूज ना करें ताकि ये अलग अलग से और खिले खिले बने। और अब ये हमारा मसाला पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।